नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट से। दिल्ली से बड़ी अपडेट है, किसान आंदोलन का 70वां दिन है आज, और आज हरियाणा की जींद में किसानों की महापंचायत भी होने वाली है और महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। महापंचायत में खाप के प्रमुख शामिल होंगे और किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। महापंचायत को देखते हुए जींद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो किसानों के आंदोलन को 70 दिन बीत चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है और देश भर में किसानों की महापंचायतें भी हो रही हैं। और आज हरियाणा के जींद में भी किसानों की महापंचायत होनी है, जिसमें हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। साथ ही साथ किसानों के नेता नरेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होंगे और इस महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर ली गई है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है और किसान नेता नरेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। किसान प्रतिनिधि भी इस महापंचायत में शामिल होंगे और इस महापंचायत में आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में हमारे दिल्ली संवाददाता शंकर सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, 70 दिन बीत चुके हैं, न सरकार झुक रही है न किसान पीछे हट रहे हैं, आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, किसान लगातार रणनीति बना रहे हैं, देश भर में अब महापंचायतें हो रही हैं, हरियाणा के जींद में भी आज पंचायत है, देश के कई अन्य हिस्सों में भी किसानों की महापंचायतें हैं आज। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि आंदोलनकारी किसान और उनके बीच सिर्फ एक कॉल की दूरी है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी बात है, उनकी तरफ से इशारों में कही थी और काफी उम्मीदें जगी थी। लेकिन इससे प्रैक्टिकली यानी कि धरातल पे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये इसका मायने जो क्या रहा है कि किसकी तरफ से ये कॉल जाएगी, किसके तरफ से ये पहल की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ एक कॉल की दूरी है। हालांकि देखे तो किसान जो है लगातार किसान संगठन के जो नेता हैं ये कह रहे हैं कि अपनी मांगों पे आज भी उसी तरह कायम है, यानी कि सीधे तौर पे उनका ये कहना है कि तीनों नए जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए, इससे कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। वही दूसरी तरफ जो है सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि वार्ता जो है उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, यानी कि वार्ता के लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है। लेकिन उनकी तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई है कि ये कानून तो रद्द नहीं होगा, यानी कि तीनों जो कृषि कानून है उसको निरस्त नहीं किया जाएगा, बल्कि संशोधन के साथ कुछ और व्यवस्था की जा सकती है, जो कि अलग अलग हमने देखा है कि कई दौर की जो है वार्ता चली है, मीटिंग चली है, वो हालांकि ये जरूर है देर नतीजा साबित हुई है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कही जा रही कि वो अलग अलग प्रस्ताव जो है देने को तैयार है किसानों को, लेकिन ये कानून जो है वो रद्द नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ किसान जो है कह रहे हैं कि इससे कम कुछ उन्हें मंजूर नहीं है। तो ऐसे में देखे तो लगातार ये जो आंदोलन जा रहा है 17वां दिन है और ये और भी लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक इसमें कुछ बीच का रास्ता नहीं निकलता है तब ये खत्म होने का आसार नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में टकराव की स्थिति भी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है। ये जरूर है कि आज हरियाणा की जींद में देखिए किसानों की महापंचायत है, और चूंकि ये जो किसान इस आंदोलन में शामिल हैं उनमें जो प्रमुख राज्य है हरियाणा भी है, और हरियाणा की जींद में इस तरह की महापंचायत है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा मैसेज यहाँ से निकलेगा देना चाह रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि कल राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि वो वहाँ पे जाकर शामिल होंगे इस महापंचायत में, तो इसके मतलब कोई नहीं है कि वो किसान जो है कहीं। बिल्कुल शंकर, आंदोलन लंबा खींचने वाला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार नहीं झुकती है तो आंदोलन अक्टूबर तक चलता रहेगा इसी तरह। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शंकर बहुत बहुत शुक्रिया। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।